हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक है कॉपर टी पर। आज हम बात करेंगे कॉपर टी के ऊपर। ये एक ऐसा उपकरण है जो कि गर्भ निरोधक उपकरण है, गर्भ के निरोध में काम आता है, अनचाहे गर्भ को हटाने के लिए काम आता है। मैं ये नहीं कह पाऊंगी कि अनचाहे गर्भ को हटाने के लिए, पर इतना कहूंगी कि हमें अनचाहा गर्भ नहीं चाहिए, तो ये गर्भ निरोध है। और ये गर्भ निरोधक उपकरण जो है, ये अनेक विकल्पों में से एक विकल्प है। आपको पता है कॉन्ट्रासेप्टिव्स का एक पूरा कैफेटेरिया है। जैसे हम कॉफ़ी हाउस में जाके अनेक टाइप की कॉफ़ीज की पूरा मेन्यू पढ़ते हैं, इसी तरह कॉन्ट्रासेप्टिव्स को भी कैफेटेरिया अप्रोच बोलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चॉइसेस होती हैं और उसमें से एक चॉइस कॉपर टी की चॉइस है। कई लोग इसको, इसके साइंटिफिक नेम IUCD इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। चलिए बताते हैं कॉपर टी क्या होता है। ये टी शेप है, तो टी शेप का ये डिवाइस है, इसीलिए इसे कॉपर टी बोलते हैं। टी बिकॉज ऑफ द टी शेप। और कॉपर कहाँ है? इसमें नहीं लगा है कॉपर, इसमें लगा है कॉपर। तो ये वाला हिस्सा जो है, इसमें कॉपर है और ये टी शेप है। ये टी शेप क्यों बनाते हैं? ताकि बच्चेदानी जो है उसके अंदर जब हम डालें तो वो आराम से अपनी पोजिशन में अटक जाए इधर इधर, और आराम से सेफ पोजीशन में अपने लग जाए और गिरे नहीं। आपको पता है कॉपर टी 3 साल, 5 साल, 10 साल की भी कॉपर टी है। कॉपर टी 380A जो कि हमारी गवर्नमेंट सप्लाई करती है, वो 10 साल की कॉपर टी है। यानी कि 10 साल तक अगर वो डली हुई है तो वो एफिकेशियस हो सकती है और आपके गर्भ को रोक सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप गर्भ चाहती हैं तो आपको 10 साल तक रुकना पड़ेगा। आप जब बोलेंगे तब निकल जाएगा वो, और निकलने के बाद अगले महीने ही आप 30% फर्टाइल ऑलरेडी हो गई अपने गर्भ को धारण करने के लिए। तो आइए समझते हैं कि जो कॉपर टी की डिवाइस है वो किस में लगनी है। कॉपर टी एक गर्भ निरोधक है जिसको साइंटिफिकली इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस IUCD कहते हैं। कॉपर टी का आकार शेप टी शेप होता है। टी में जो ये हिस्सा होता है वो प्लास्टिक का होता है, और ये जो हिस्सा है ये कॉपर का होता है। ये शेप जो है, ये आकार जो है, वो बच्चेदानी के आकार से मेल खाती है, ताकि वो उसके अंदर जाए तो वो ढंग से फिट हो और ये डिवाइस न गिरे। ये जो डिवाइस है ये कोई खाने पीने का डिवाइस नहीं है। ये नीचे योनि मार्ग से बच्चेदानी के अंदर डाला जाता है। इसके लिए बेहोशी की आवश्यकता नहीं होती, और आमतौर पर किसको डाला जाता है? नव विवाहित को नहीं डालते हैं। ये आमतौर पर उसको डलता है जिसके एक बच्चा पहले से हो, या दो बच्चे हों, कम से कम एक बच्चा हो, डिलीवरी हो चुकी हो, और उसके बाद डलता है। पर ये किस समय डलता है? डलने को तो डिलीवरी के 48 घंटे के भीतर भीतर डल सकता है। जो सफाई करवाते हैं उसमें भी सफाई के साथ साथ 48 घंटे भी नहीं, बल्कि उसी क्षण लग जाता है। अगर आपने डिलीवरी में पहले 48 घंटे में डिसाइड नहीं करा, निर्णय नहीं लिया, तो ये 3 हफ्ते के बाद भी लग सकता है, 6 हफ्ते के बाद भी लग सकता है, 3 महीने के बाद भी लग सकता है। तो जब हम लोग कॉपर टी को पहले 48 घंटों में लगा देते हैं तो उसको पोस्टपार्टम IUCD यानी PP IUCD बोलते हैं, यानी प्रसूति के बिल्कुल ही पश्चात 48 घंटों में ये लगा दिया जाता है। और यदि कोई उस वक्त अपना मन नहीं बनाता तो आपको तो मालूम है कि लोकिया जो होता है, यानी कि जो खून जाता है डिलीवरी के बाद, पेपेरियम पीरियड बोलते हैं, ये जो पीरियड होता है, ये खून जो है ये 6 हफ्ते तक जा सकता है, तो 6 हफ्ते के बाद लगा सकते हैं। यदि किसी का खून 3 हफ्ते पर रुक जाए तो 3 हफ्ते के बाद भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं सोचा तो अगर सिजेरियन करा है तो 3 महीने के बाद इसको लगाया जा सकता है, जब टाँके वाँके अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और जो स्टिचेस हैं वो घुल जाते हैं या निकाल दिए जाते हैं। तो ये जो डिवाइस है, इसमें जो कॉपर होता है, इसमें एक मात्रा से कॉपर डाला जाता है, जो हर रोज 0.00 तो नहीं कहूँगी, पर इतनी छोटी छोटी माइन्यूट कृत्रिम मात्रा में निकलता है कि वो हमारे शरीर पे असर करता है। किस तरह से असर करता है? जो अंडा हमारी अंडेदानी बनाती है ना,
और जो शुक्राणु योनि मार्ग से ऊपर आते हैं ना, तो वो जो अंडा है और ये जो शुक्राणु है, इन दोनों को मिलने नहीं देता। और क्योंकि ये एक फॉरेन एलिमेंट है, यानी कि एक फॉरेन डिवाइस है जो कि बच्चेदानी के अंदर है, तो ये अगर गलती से मिल भी जाए ये अंडा और ये स्पर्म, तो इन दोनों को फॉरेन एलिमेंट होने की वजह से जगह नहीं देता ढंग से अपनी जड़ गाड़ने के लिए इसके अंदर, बच्चेदानी के अंदर। तो ये जो कॉपर्टी है, इसके साथ अनेक शंकाएं महिलाओं के दिलो दिमाग में हैं। वो भ्रमित हैं कुछ चीज़ों के बारे में, कहीं पर मिथ्या, सोशल स्टिग्मा, रॉन्ग फैक्ट्स, रॉन्ग बिलीफ्स हैं जिनको हमको हटाना है और फैक्ट्स को इन पोजीशन लाना है। तो चलिए आइए मैं बताती हूँ कि कॉपर्टी से फ़ायदे क्या हैं। हमें पहले फ़ायदे तो जान लेने चाहिए इससे पहले कि हम सिर्फ नुकसान की लंबी लाइन गिनें। तो फ़ायदे देखते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये गर्भ निरोधक है। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये 10 साल तक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा फ़ायदा कि अगर 10 साल पूर्ण हो गए और आपको दूसरा कॉपर्टी लगाना है, तो जैसे ही आपने निकाला, आपने अगला कॉपर्टी उसी क्षण डाला और आपकी गर्भ निरोध में कोई भी ब्रेक नहीं आई और ये चलता रहा। चौथा, आप 10 साल तक नहीं रुकना चाहती, अब आप अपना बच्चा प्लान करना चाहती हैं, चाहे वो 5 साल वाला हो चाहे 10 साल वाला हो। जैसे ही आपने सोचा कि मुझे बच्चा प्लान करना है, आप कॉपर्टी को निकलवा सकती हैं बिना दर्द के, बिना तकलीफ के, बिना बेहोशी के। फिर कॉपर्टी जो है वो बेहोशी के साथ नहीं लगती है, वो आराम से ओपीडी में लग जाती है। कॉपर्टी उन महिलाओं के लिए उचित समझी जाती है जिन्होंने एक बार प्रसूति करी हो, चाहे वो सिजेरियन से हो चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी से हो, और खासकर अगर एक बच्चा है या दो बच्चे हैं। पर जो जिनके कभी भी बच्चे नहीं हुए, जैसे कि नवविवाहित महिलाएं जिन्होंने कभी भी बच्चे नहीं किए, उनके लिए ये उचित नहीं मानी जाती। ये जो कॉपर्टी है ये बहुत सस्ती होती है। 5 साल वाली कॉपर्टी करीब 250-300 रुपए की आती है, और जो 10 साल वाली है वो भी 400-450 की आती है। तो ये बहुत ही सस्ता उपाय है, टिकाऊ उपाय है, चिंता रहित है। और जिस तरह कॉन्डम पहनना पड़ता है उसी वक्त संभोग के समय, उसी वक्त सेक्सुअल एक्ट में, तो वो संभोग में खलल डालता है। वो किसी और पर आप निर्भर हो, अपने पति पर, अपने पार्टनर पे, कि वो उसका इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे। किंतु ये जो है, ये उपकरण आपके अंदर डला हुआ है, आप किसी भी समय संभोग करें तो आपको डर भय नहीं होता कि हाँ मेरे को गर्भ तो नहीं अनचाहा हो जाएगा। साथ में जो गोलियां हैं वो हर रोज खानी पड़ती हैं और गोलियों को याद रखना पड़ता है। यदि गोली मिस हो जाए तो फिर अगले दिन गोली खानी पड़ती है, और अगर महीने में 2 बार से ज़्यादा गोली मिस हो जाए तो वो महीना गर्भ आप का ठहर सकता है, वो सेफ नहीं है। पर ये जो कॉपर्टी है, ये एक बार डल गई तो सेफ है और आपको याद नहीं रखना पड़ता। इसका जो, जैसे गोलियां होती हैं गर्भ निरोधक गोलियां, उनका साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे कि वो स्तन का कैंसर कर सकती हैं, इसमें ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये जो कॉपर्टी है, इसका धागा होता है, वो धागा योनि मार्ग में होता है। डॉक्टर हल्के से धागे को खींचते हैं और कॉपर्टी बाहर आ जाती है। ये देखिए ना, कितना आसान तरीका है जिसमें आप के हाथ में आपका गर्भ निरोध का उपकरण है और आप इसमें सशक्त हैं, आप किसी पर निर्भर नहीं हैं। डिसीजन आपका है कि आप गर्भ चाहती हैं कि नहीं चाहती। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत नमस्कार।